नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, हम लोग को डक्ट को जो क्लीनिंग जो हम लोग को कैसे हम लोग को कर सकता है, मतलब कैसे, मतलब जो क्या क्या जो मेथड होता है जो डक्ट को क्लीन करने के लिए, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। ये तो बहुत सारा जो HVAC का जो इंटरव्यू में जो बहुत पूछने वाला जो क्वेश्चन है, जो इसलिए जो पूरा को वीडियो को पूरा को जो वॉच करो, आप लोग को जो पता हो जाएगा क्या मेथड बोल के। दूसरा क्या है, जो डक्ट को कैसे आप लोग को क्लासिफिक कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वेलासिटी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो हम लोग को जो डाल चुका है। अभी तक वो वीडियो को आप लोग नहीं देखने से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, जो डक्ट का जो क्लीनिंग मेथड देखने से तीन मेथड रहता है, ये क्या है, एयर स्वैपिंग मेथड है, दूसरा क्या है पावर ब्रशिंग मेथड और मैकेनिकल ब्रशिंग मेथड, दूसरा क्या है कॉन्टैक्ट वैक्यूम मेथड, कॉन्टैक्ट वैक्यूम मेथड, तीन मेथड है। मतलब वही है डक्ट क्लीनिंग मेथड, कॉन्टैक्ट वैक्यूम मेथड, एयर स्वैपिंग मेथड, मैकेनिकल ब्रशिंग और पावर ब्रशिंग मेथड। मतलब ये जो वर्ड आप लोग को जो पढ़ने से आप लोग को आता है वो क्या जो काम उसका मेथड क्या बोल के आप लोग को समझ हो जाएगा लगता है। मतलब ब्रशिंग रहने से जो ब्रशिंग से जो क्लीन करेगा, मतलब स्वैपिंग रहने से एयर को जो हवा को जो उधर करके स्वैप कर देगा, फिर कॉन्टैक्ट वैक्यूम रहने से जो वैक्यूम मशीन को जो रखे करेगा, ऐसा कुछ आप लोग को कुछ ना कुछ ये वर्ड को जो पढ़ने से आप लोग को जो कुछ आइडिया मिल जाएगा लगता है। लेकिन जो इसका बारे में हम लोग को डिटेल वीडियो हम लोग को जो डालने वाला है, आखिरी वीडियो हम लोग को डालने वाला है, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल वीडियो डालना चाहिए। तो आप लोग को वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट, मतलब उसको कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट उसमें कमेंट कीजिए, उसी को हम लोग को एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना है। हम लोग को क्या है इंटरव्यू क्वेश्चन वो हम लोग को देखते रहता हूँ, मतलब डक्ट को हम लोग को कैसे जो क्लासिफाई कर सकता है, तो डक्ट का क्लीनिंग मेथड क्या बोल के डिस्कस किया है, वो दोनों आउटलाइन दिया, आउटलाइन का वीडियो ही जिसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग को अगला वीडियो में हम लोग को डालने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।